खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक अच्छा पड़ोस हर कोई चाहता है। वो कहते हैं कि यदि पड़ोस अच्छा हो तो जीवन और भी अच्छा लगता है। आसपास घर के माहौल यदि अच्छा रहेगा तो खुशी के साथ आप रह पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन क्या हो यदि पड़ोस से आपको सुख ना मिले, वहां से कोई ना कोई समस्या आपको प्राप्त होती रहे। तो आज हम इसी से गुरु जी पर बातचीत करेंगे और साथ ही जानेंगे परवरिश टिप, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, आज का राशिफल, वो विचार जो सबका दिन बना देगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राम राम गुरु जी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा राज्य और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी, ये समस्या बहुत लोगों के साथ होती है कि यदि पड़ोस अच्छा ना हो, कोई ना कोई समस्या वहां से आती रहे, मिलती रहे, तो आखिर क्या ये संभव है कि उस पड़ोस को हम शांत रखें, अच्छा बना के रखें, हमारे पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा रहे? बड़ी किस्मत से मिलता है अच्छा पड़ोस जी। अगर किसी का सूर्य या मंगल अच्छा नहीं है तो उसके पड़ोसी कभी भी अच्छे नहीं होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पड़ोसी अच्छे नहीं होते। अच्छा चले मान लीजिए एक जगह अच्छे नहीं है, लेकिन हम दूसरी जगह गए वहाँ भी अच्छे नहीं हुए, धोखा दे देंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव मतभेद होगा। जबकि आप वैसे देखें तो जब हम घर लौट के आते हैं तो अपने घर के साथ साथ पड़ोसी के घर का दरवाज़ा भी दिखता है, और अगर अच्छे संबंध होते हैं तो सब लोग मिल बैठते हैं और स्ट्रेस एकदम रिलीज होता है और अच्छा लगता है, खुशनुमा वातावरण होता है, घर एक बड़ा सा कुनबा हो जाता है। लेकिन यही पड़ोसी खराब हो जाए तो अपने घर में रहने का मन नहीं करता। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और मंगल के उपाय करने शुरू करेंगे, उससे लाभ होना शुरू हो जाएगा। पहला उपाय क्या है? सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपके पड़ोसी खराब हैं तो नारियल के तेल का दीपक अपने घर में जलाना शुरू कर दीजिए सुबह शाम, नारियल के तेल का दीपक, और अपने इसका ध्यान करें, अपने ओर से कोई गड़बड़ी ना हो इसका भी प्रयत्न करें। साथ ही साथ रविवार के दिन नारियल के तेल का दान भी कर दिया करें, छोटा हो बड़ा हो, शीशी कोई भी हो सकती है, लेकिन वो दान कर दिया करें। ये एक उपाय। कुछ और उपाय बताता हूं, इसका बड़ा फायदा मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि दांत कटी रोटी हो जाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो वैमनस्य है वह कम हो जाएगा। घर से दोनों लोग एक साथ निकल भी रहे होंगे तो कम से कम राम राम शाम शाम तो होगी। तो वाकई देखा आपने अच्छे पड़ोस के कितने फायदे हैं, और अच्छा पड़ोस आपका बना रहे इसके लिए आपको क्या करना होगा, आगे हम इस पर गुरु जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल राशि फल की बात करते हैं। गुरु जी, प्रथम चार राशियों का दिन कैसा होगा? यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे, खासतौर से दोपहर के बाद से, लेकिन फिर भी कुल मिला के दिन ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धन संबंधी मामलों में थोड़ा अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर काम पर जुटे। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, जोश है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन थकन और आलस्य की वजह से हो सकता है आप अपने कुछ विशेष कार्य ना कर पाएं। लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन लोगों से बहुत सोच समझ कर बात कीजिएगा, चाहे वो आपके कितने ही निकट क्यों ना हो। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? अर्घ्य स्त्रोत का पाठ करें, थोड़ी देर ध्यान करें, फिर काम पर जुटें। मिथुन राशि, ये समय आपके लिए कुछ कमजोर है, इसलिए धन संबंधी मामलों में कोई बड़े निर्णय इस दिन मत लीजिएगा। इस दिन रिश्ते जोड़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मंगल कार्य का निर्णय स्वयं से मत लीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएं और किसी की गारंटी ना लें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? गणपति जी को आप दूर व भेंट कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए। कर्क राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा कम अनुकूल है, प्रतिष्ठा का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, थकन बहुत महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी कार्य कोई रुकेगा नहीं आपका। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा इस दिन,
इज्जत लोगों से बहुत शुद्ध प्रेम भाव से मिलिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर करने के लिए मन को शांत रखिए, वाणी पर लगाम रखिएगा और किसी भी अन्न का दान जरूर जरूरतमंद को कर दीजिएगा। ध्यान से सुनते जाइए अपने उपाय और सावधानियां भी, क्योंकि दोनों का आपको रखना है ध्यान। अब बारी आती है परवरिश टिप की। गुरुजी, वो क्या है माता पिता के लिए? एक छोटी सी लेकिन बड़ी उपयोगी बात है, जरा गौर से सुनिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है बहुत सारी अरहर की दाल खाने की। देखिए, मैं माता पिता से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अरहर की दाल भी नहीं खिलानी चाहिए। हाँ, मूंग की दाल कितना भी खा सकता है बच्चा, और मसूर की दाल खाने की अवश्य आदत डालिएगा, क्योंकि मसूर की दाल खाने से बच्चे का शरीर बलवान होता है। तो बात पते की है, इसीलिए गांठ बांध लीजिए और जरूर इसका पालन कीजिए। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। गुरुजी, उनका साल कैसा होगा? सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। खास तौर से जो आपके लिए अच्छा समय है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और फरवरी और अप्रैल 2020, ये आपके लिए विशेष महीने। इस समय में आपको विशेष उपलब्धियां होंगी और आपके द्वारा किए गए प्रयासों के बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। अब ध्यान क्या रखना है? स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा और दूसरी चीज इमोशनल प्रॉब्लम्स रहेंगी, चाहे घर के लोगों की बीमारी की वजह से रहे, चाहे आपके अपने रिलेशंस की वजह से रहे, कोई आपको इमोशनल झटका भी लग सकता है। अब इन सब से बचने के लिए उपाय क्या करना है? नियम बना लीजिए, रोजाना सूर्य को जल देना है, अपने माता पिता के चरण वंदना करनी है क्रॉस हैंड, उसके बाद फिर अपने काम पर जुटना और आप देखिएगा कि अच्छे काम होने शुरू हो जाएंगे और यात्राएं करने को भी मिलेगा, घूमने को भी मिलेगा और आपकी तरक्की भी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। तो देखा, साल तो आपका बहुत अच्छा है, कितना कुछ आपको मिलने वाला है, बस उपाय करना ना भूलिएगा जो गुरुजी ने आपको बताए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसियों की। आपके संबंध उनसे कैसे अच्छे बने रहे, आपके पड़ोस से लगातार सहयोग आपको मिलता रहे, उसके लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए? गुरुजी, क्या खास उपाय किए जा सकते हैं जिससे पड़ोसियों का संबंध अच्छा बना रहे? कुछ सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। दो पड़ोसियों में झगड़ा पता किस बात का हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति शाम को अपने द्वार पर दीपक प्रज्वलित करता था और दूसरे को ये लगता था ये कोई टोना टोटका करता है। लोग एक तरफ तो ये कहते हैं हमारा कोई विश्वास नहीं टोने टोटके में, लेकिन डरते जरूर। अगर कोई करता है और आपका विश्वास ही नहीं, आपको लगता है कि ये सब बेकार होता है, डरते क्यों हो? खैर, कुछ परंपराएं ऐसी हैं इस देश में, कुछ क्षेत्रों की परंपराएं ऐसी हैं जिसमें संध्या दीपक जलाया जाता है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, और उसका कारण समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। यानी मैंने मेरे घर में उजाला किया, अब मैं बाहर इस प्रकार से दीपक रख रहा हूं या रख रही हूं कि आने जाने वाले लोगों के मार्ग में भी उजाला हो। ये कोई टोटका नहीं, और ना ही दीपक जला के दरवाजे पे रखने से किसी के घर में कोई बुरे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग ये जो फालतू के भय वहम पाल लेते हैं ना, इनसे मुक्ति पाइए, थोड़ा खुली हवा में सांस लीजिए। धन तो इसलिए होता है कि आपका भय निकाले। और हम लोग जाने कैसा धर्म मानते हैं कि भय में और पड़ जाते हैं और वहम में पड़ जाते हैं, ये तो बंधन खोलने के लिए है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए है धर्म का पालन, और हम और ज्यादा बंधनों में खुद को फंसा देते हैं। तो जरा फ्री हो जाइए। और इस वजह से दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि मकान बदलना पड़ गया एक को। ऐसी स्थिति जब हो तो क्या करना चाहिए? आपको शीशे के बर्तन में, छोटा सा शीशे का बर्तन ले लीजिएगा, शीशे के बर्तन में किसी झाड़ी में शनिवार को जाकर दूध रखाना चाहिए। उसका क्या होगा कैसे, ये आपका जिम्मा नहीं, बस आप देखना, फायदा होना शुरू होगा। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पितृदोष यदि आपके घर में हो, घर में भी झगड़े रहेंगे,
अड़ोस पड़ोस कभी आपका अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे में पितृदोष का उपाय मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ आपको, सबको हट ही गया होगा अब तक, वह अमावस्या के दिन जरूर कर लिया करिएगा, इससे शांति हो जाएगी। मैं पुनः कह रहा हूँ, भाई भाई जैसे ना होके रहो तो कम से कम अच्छी जान पहचान जैसे वाले तो होके रहो, वो रहना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कितने आसान से उपाय हैं और व्यवहारिक भी हैं, तो बिल्कुल करने से हिचकिएगा मत, क्योंकि एक अच्छे माहौल में आपको रहना है और अपने परिवार को भी रखना है। अब जान लेते हैं दिन का शुभ अशुभ समय, गुरु जी वो क्या रहेगा? फटाफट नोट करें, अशुभ समय नोट कीजिए, दो मुहूर्त होगा शाम को 5:21 से 6:16 तक, गुलिक काल रहेगा 3:45 से शाम 5:27 तक, यमगण काल रहेगा दोपहर में 12:19 से दोपहर में 2:02 तक, राहु काल रहेगा शाम को 5:28 से 7:11 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन में 11:52 से 12:47 तक, और अमृत काल रहेगा रात में 10:16 से 11:52 तक। कोई भी महत्वपूर्ण काम, इम्पोर्टेंट मीटिंग, आप इसी समय को ध्यान में रखकर करें। और अब राशिफल की बात, जो बीच के चार राशियां हैं गुरु जी, उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन धन खर्च हो सकता है, और हो सकता है ऐसी जगह धन खर्च हो जहां से आपको लाभ नहीं मिले। इस दिन घर के लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखें, एक छोटी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके कार्य रुक नहीं रहे, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति आपका कार्य ना कर पाए जिसने वायदा किया था, लेकिन उससे आप संबंध खराब मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, 4 दाने मिश्री के लीजिए और किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए, तो वो जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह समय थोड़ा ध्यान से चलने वाला है, गुस्से की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। माता पिता से बहुत शांति से व्यवहार कीजिएगा, मित्रों से शांति से व्यवहार कीजिएगा, और खासतौर से दोपहर से रात के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। सावधानी, वाहन ध्यान से चलाएं, अपने राज की बात ना कहें और मन को शांत रखें। उपाय, खासतौर से यदि आप कुछ विशेष कार्य के लिए जा रहे हो या विशेष लोगों से मिलने के लिए जा रहे हो, तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस दिन सफेद फूल अपने इष्ट के चरणों में रखकर जप करके फिर काम पर जुटिएगा। तुला राशि, यह दिन अच्छा है, आपको मजबूती प्रदान कर रहा है, इसलिए आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन झूठ मत बोलिएगा, झूठी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी की गारंटी मत लीजिएगा, सकारात्मक भाव से अपना कार्य करते चले जाइएगा, अपने आप बहुत कुछ मिल जाएगा। उपाय क्या करना है इस दिन, दुर्गा जी का ध्यान कीजिए और अपने काम पर जुटिए। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो रहा है दोपहर के बाद, लेकिन दोपहर तक बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दिन धन कहीं मत लगाइएगा, आग, केमिकल से और दुर्घटना से बचने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, वो धोखा दे सकता है। उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए या महामंत्र मंत्र का जप कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए। ध्यान से उपाय नोट करते जाइए, अपने राशियों के हिसाब से ही उपाय करें, बहुत आसान से उपाय हैं और ये काम भी करते हैं, आप जानते ही हैं। गुरु जी, पड़ोसियों की आज हम बात कर रहे हैं, और क्या किया जा सकता है जिससे आपसी सहयोग बना रहे और हंसी खुशी सब लोग एक दूसरे का पड़ोस में रहें? और खास तौर से जब हमें अब आजकल बिल्डिंग्स में रहना होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहना होता है, फ्लैट्स में रहना होता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में मैंने देखा जबरदस्त टेंशन होती है पड़ोसी की वजह से। घर में जाने से, अपने घर में जब हम घुसते हैं उससे पहले पड़ोसी का दरवाजा दिखाई देता है, तो कुछ उपाय और करें। धर्म स्थल पर कुछ ना कुछ दान जरूर कर देना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो। दूसरा एक काम और कर दीजिएगा, शनिवार के दिन भोजन घर से पका के और गरीबों में बांट दिया कीजिएगा, और हफ्ते में किसी एक दिन घर में, पूरे घर में नमक का पोछा अच्छे से लगाकर, पूरे घर में नमक का अच्छे से पोछा लगाकर, और इसे रोज भी कर सकते हैं आप, और आप गाय के गोबर के बने हुए उपले पर कपूर डालकर प्रज्वलित कर दिया कीजिए, अपने आप
धीरे धीरे से ही घर में सुख शांति आने लगेगी। तो देखा कितने ढेर सारे उपाय गुरुजी ने आपको बता दिए, तो जो भी अच्छा लगे उसे अपनाइए, जरूर कीजिए और हंसी खुशी रहिए। अब बात राशिफल की, जो अंतिम चार राशियां हैं, जान लेते हैं उनका दिन कैसा होगा। गुरुजी उनका राशिफल यानी धनु मकर कुंभ मीन राशि का है। धनु राशि, ये समय है तो अच्छा आपके लिए, लेकिन काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही साथ बेहद ईमानदारी से काम कीजिएगा और कागज अपना अच्छे से जांच पर रखने के बाद ही हस्ताक्षर कीजिएगा। एक सावधानी, इस दिन किसी को धन देने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, और अगर किसी को धन दे भी रहे हैं तो लिखत पढ़त अच्छे से कर ले। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को मिठाई बांटिए। मकर राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, मेहनत करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। बस एक सावधानी थोड़ी सी जरूर रखिएगा, इस दिन किसी से मनमुटाव हो सकता है जिससे वाद विवाद उत्पन्न हो और धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर ही रहेगी, चिंता करेंगे। लेकिन एक उपाय कर लें, ओम श्री नमः का जप करें अभी, फिर काम पर जुटे, गुरुजी साहब मदद कर देंगे। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी होंगी लेकिन उसके बाद लाभ मिल जाएगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत ले, इस दिन जल्दबाजी में किसी को पैसा या कीमती सामान मत दीजिएगा और किसी की निंदा किसी से भी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, किसी को कोई पुस्तक दान कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस समय यूं तो बहुत अच्छा है लेकिन जिन लोगों को सर की रक्त संबंधी या हृदय संबंधी कोई व्याधि रहती है वो ध्यान से चले। एक सावधानी, इस दिन माताजी के साथ मतभेद ना हो और माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल भी रखें। उपाय क्या करना है, नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जो फिर जुट जाए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब आज की व्यथा ले लेते हैं। गुरु जी, हमारे एक दर्शक है पूनम जायसवाल पूना से, उन्होंने हमें लिखकर भेजा है। इनकी संतान अभी तक नहीं है और जब भी ये कंसीव करती हैं तो उनका मिसकैरेज हो जाता है, बहुत परेशान है। पूनम जी, देखिए यहाँ जो स्थिति है, आपके शरीर में तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, हाँ तो कमियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो यह है कि थोड़ा सा थायराइड डिस्टर्ब है, डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यह, हो सकता है आपने दवाइयों का सेवन किया हो उसकी वजह से फैट बहुत हो गया हो, ये कंट्रोल आप कीजिएगा। खूब गर्म पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए और खूब दिन में टहलिए, गरिष्ठ भोजन थोड़ा सा कम लीजिए। डॉक्टर साहब से भी कहिए कि ऐसी कोई दवाई ना दें जिससे आपका फैट बढ़े, क्योंकि अगर ये फैट कम नहीं हुआ तो कंसेप्शन में दिक्कत आएगी। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपके सप्तम यानी आपके पति की ओर से है, इसलिए आपको वहाँ पर बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है और उनको बोलिए, मेरी तरफ से एक निवेदन कर दीजिए। पहली चीज़ तो ये, ठंडी चीज़ें बंद कर दें, गुस्सा करना बंद कर दें और शाम को थोड़ा सा आराम ज़रूर किया करें। ऑफिस से आते ही मोबाइल ये वो सब, और मुझे लगता है, पक्के तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशे की लत भी इनको है, वह थोड़ी सी ये कम करें। तो ये सारी चीज़ें करें और उसके साथ साथ एक चांदी का छल्ला ये अपनी तर्जनी में सोमवार के दिन धारण कर लें और हरी मिर्च का सेवन करना एकदम बंद कर दें। ठीक, दोनों लोग शाम को टहलने चले जाया करो, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है अगर ये सारे आपने उपाय किए, अगली नवंबर से पहले, 2020 के नवंबर से पहले पहले आपके घर में संतान होगी। पूनम जी, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, नवंबर 2020 से पहले आपके घर में भी ढेर सारी खुशियां आएंगी। बस वो उपाय जरूर कीजिएगा जो गुरु जी ने आपको बताए हैं, क्योंकि उपाय काम करते हैं, हमने खुद देखा है और हमारे दर्शक भी हमें लगातार फीडबैक भेजते रहते हैं। दिन भी अच्छा हो गया, अच्छा पड़ोस कैसे मिलेगा ये भी आपको पता चल गया, बारी है उस विचार की जो हमारे दिन को और अच्छा बना देगा। गुरु जी आज का विचार क्या है? एक खास बात सुनिए जरा, रॉल्फ मोशन कहते हैं, मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूं वो किसी ना किसी रूप में मुझसे बेहतर होता है। कितनी सुंदर बात है
यानी कभी ईगोज मत रखिए और सामने वाले से जब भी आप मिले उसके रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है और वो बेहतर गुण आपको दे सकता है। तो वाकई बहुत साधारण से दिखने वाली लेकिन बेहद खास बात, तो अपने जीवन में उसे उतारिए, आगे बढ़ते जाइए और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका दिन शुभ हो। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे, उस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारतमाता की जय। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। नमस्कार।